तो अभी के टाइम पर बीरू जो एडिट है उसके वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। ये मतलब इस तरह का जो इफेक्ट बनाता है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसके अच्छे खासे भी आते हैं। तो आप भी किस तरह का इससे बना सकते हो इसका पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना तभी आप समझ पाओगे। तो चलो बता देते हैं। तो पहले तो आपको उसको हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वो हाई क्वालिटी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख लेना। बट ये जो मैंने उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड बताया था, मतलब जिससे स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं एक ऐप से, उसका यूज आपको नहीं करना है, आपको और भी हाई क्वालिटी में करना है। तो मैं इसका अपना डिफॉल्ट वाला बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं भी करता हूँ इसकी तरह का, आप लोग पूछते हैं कि आप कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर देखो मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर चालू कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने अपनी स्क्रीन पाया और यहाँ पर एक स्क्रीन रिकॉर्ड मिलता है मेरे को, कौन सा अपना डिफॉल्ट वाला स्क्रीन रिकॉर्डर, ए वाला, ठीक है, ए वाला, ठीक है। ये आपको अपने मोबाइल में देखना है, ठीक है। यदि अब मैं ये नहीं मिलता तो ही बताऊंगा अभी कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, ये आपको देख लेना है। यदि आपका रेडमी पोको कुछ इस तरह का डिवाइस है तो उसमें मिल जाएगा, और व्यू वगैरह का भी बता दूंगा कौन तरह का, मतलब किस तरह का मिलता है वो। तो मैं इस पर टैप किया तो कहीं ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर सेटिंग का बन, ठीक है। यहाँ पर जो रेजोल्यूशन लिखा होगा ऊपर सबसे ऊपर देखो यहाँ पर ये वाला, ठीक है, पर आपको टैप कर देना है और इसको जितना भी आपका हाई हो, ठीक है, उतना कर लेना है, ठीक है। मेरा यहाँ पर जो 2340 1080p है इतना कर देता हूँ, ठीक है, इसको हाई कर दिया। और नीचे वाला आपको एक ऐसा मिलेगा वीडियो क्वालिटी का, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा लेकिन लिखा होगा वीडियो क्वालिटी, ठीक है, या फिर MBPS लिखा होगा, ठीक है, किसी यहाँ पर MBPS लिखा हो सकता है, तो वो आपको देखना है। फिर उस पर यहाँ पर क्लिक करना और जितना इसमें आपको जितना हाई है सब में जाता जो वाला, ठीक है। मेरा यहाँ पे 40 MBPS है, ठीक है, तो मैंने 40 कर दिया, जितना हाई आपको उतना कर देना, क्योंकि जो क्वालिटी होती है वो इसी से अच्छी आती है वीडियो क्वालिटी में MBPS से, ठीक है। तो इतना जितना हाई रहेगा उतनी साइज जो फाइल की साइज होगी वो बड़ी रहेगी और क्वालिटी अच्छी आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर एक जो होगा फ्रेम रेट, यदि आप फ्रेम रेट यहाँ पर ऑन करते हैं चालू रहता है आपका ये, तो यहाँ पर आपको 30 करना है, ठीक है, और यदि आप इसको बंद करते हैं तो ये 30 ही रहेगा। यदि आपको इसको ऑन करना है तो कर लेना, बाकी आपको इसको 30 ही रखना है, ठीक है, 30 MBPS, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है, इतना होगा। इसके बाद आपको यदि आपको ये मिलता है ऑप्शन ए टच ग्रेसर का, तो इसको डिसेबल रखना, क्योंकि हम टच करते हैं जब ये ऊपर दिखाई देता है तो इसको डिसेबल रखना, इतना होगा इसमें सेटिंग। यदि आपके पास ऐसा ऐप नहीं मिलता आपको, ठीक है, अपने मोबाइल में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो अपनी सेटिंग है उस पर चले जाना है। जैसे मैं अपनी सेटिंग पर आया और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड सर्च कर लेना है, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्ड सर्च करना है तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो वाला, मतलब जो जैसे वीवो का हो गया या फिर रियलमी का मोबाइल हो गया, उनमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर जाकर आपको जो मैंने अभी इसमें बताया जो सेटिंग, ठीक है, मतलब रेजुलेशन को और यहाँ पर MBPS होगा उसको, इनको आपको सबसे हाई कर देना है, तो आपकी हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा। देखो अब क्या होता है, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो वीडियो क्वालिटी होती है ना वो क्या होती है कि जो रियलमी का मोबाइल है उसमें 16 MBPS से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। मैंने देखा जो मोबाइल होते हैं कुछ में 16 MBPS इतने से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, लेकिन मेरे में 40 MBPS है। तो यदि आपको 16 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन रिकॉर्डर का नाम बता रहा हूँ मैं, तो आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करना है उसका नाम है मूवीजन, ठीक है। इस टाइप का ये ऐप आपको देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पर, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको ओपन करना है और जो भी परमिशन वगैरह होती है वो आपको उसमें दे देना है, ठीक है। ओपन करोगे तो इसमें कुछ ऐसा आएगा यहाँ पर, तो इस पर टैप कर देना इस पर, ठीक है। तो जैसे भी करोगे यहाँ पर सेटिंग पर चले जाना है और आपको सबसे पहले यहाँ पर वीडियो सेटिंग मिलेगी, इस पर टैप कर देना, ठीक है। और यहाँ का जो रेजोल्यूशन होगा इसको 1080p कर देना, ठीक है। और जो यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिलती है तो इसको आकर आपको जितना बड़ा हो सके इसमें 24 MB है, ठीक है, 24 है तो इसमें 24 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो FPS है इसको यहाँ पर 30 कर देना है, ठीक है, 30, तो इतना आपको इसमें कर लेना है, ठीक है। इतना सेटिंग करने के बाद यहाँ से बैक आना है और यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा एक आर्टिकल ऑप्शन ए वाला, ठीक है, इस पर टैप कर देना और इसको यहाँ पर जो हाइड मोड होगा इस पर टैप कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस साइड ये आ रहा है ना, इसको जब हम हाइड मोड कर देंगे तो फिर रिकॉर्डिंग टाइम पे ये नहीं आएगा, ठीक है, ये बेटर दिखेगा, अच्छा नहीं देगा अपने वीडियो में, इसलिए इसको हाइड कर देना। फिर ऊपर यहाँ से मतलब ऐसे करेंगे तब वो आने लगेगा, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कुछ ज़्यादा कुछ करना है नहीं, यहाँ पर एक वाटर मार्क आता है My 1 वाटर मार्क, इस पर टैप कर देना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर एक ऐसा वाटर मार्क देखने को मिलेगा अपने वीडियो में, तो इसको हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो वाटर मार्क है इस पर डिसेबल कर देंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेगा कि यहाँ पर देखो वॉच वीडियो फ्री लिखेगा होगा, इस पर टैप कर देना तो आपको एक ऐड दिखाई देगी, उसके बाद आपका ये जो होगा डिसेबल हो जाएगा, वाटर मार्क नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो ऐड है वो देख ली है, तो आपका जो वाटर मार्क है यहाँ पर वो डिसेबल हो गया है, ठीक है, यहाँ पर वाटर मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो यदि आपके मोबाइल में डिफॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर में यदि हाई क्वालिटी में नहीं होता, तो आप इसके बाद हम चलते हैं अपने राइट मोशन पर। तो आपको एक मैं XML दे दूंगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है वो सब मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप देख लेना एक बार। और बाकी मैं आपको इंपोर्ट करने का तरीका बता देता हूँ, थोड़ा सा और उसमें एडिट करना है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो टेम्पलेट पर आ जाना और यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है
और यहाँ से आप कुछ डाउनलोड करोगे तो आ जाएगी। तो यहाँ पर जो लिखा होगा वीडियो एडिट का, इस पर टैप कर देना तो आपकी जो होगी ऑप्शनल यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है, इंपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, कंटेनमेंट टाइमलाइन पर क्लिक कर देना तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखो आपको कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आपको इसमें करना क्या है कि यहाँ पर जो सभी इफेक्ट है, इफेक्ट कुछ बनाया पर आपको जो प्लस आइकन है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो मीडिया लिखा है इस पर टैप कर देना और आपका जो वीडियो होगा वो आपको यहाँ पर ले लेना है। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने ले लिया ए वाला वीडियो, तो मैंने ए वाला वीडियो लिया है। ये ऊपर आ जाए, इसको यहाँ से नीचे किसका देना ऐसा, ठीक है। मेरा ए आपका जो स्क्रीनशॉट रहेगा इस पर टैप कर देना, जो मैं डालूंगा उसमें आ जाएगा। फिर इफेक्ट पर जाना, इस पर टैप कर देना और कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना और जो आपका जो नीचे वाला वीडियो रहेगा मतलब जो मैं डालूंगा एक्समल मिलेगा उसको यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट कर देगा तो आपको कुछ आपका जो इफेक्ट होगा जो आपका वीडियो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। इस आपने वीडियो पर चले जाना है और यहाँ से जाकर आपको क्या करना कि इफेक्ट पर चले जाना और वहाँ पर आपको जो इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो इस पर क्लिक कर देना और थर्ड पर जाना और फिर कंपोजिशन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ से आ जाएगा और आपका इफेक्ट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा इसमें ऐड करना है वो बता देता हूँ। तो ऊपर वाली लेयर पर जाना, ऊपर वाली लेयर पर जाना और ब्लेंड एंड ऑफसेट पर क्लिक करना, उसको पूरा यहाँ से ए दिखाओ जीरो होगा उसको हाई कर देना, ठीक है। बैक चले आना, यहाँ से कर देना बैक, इस पर टैप कर देना कहीं पर। नीचे वाली पर आना, फिर से ब्लेंड एंड ऑफसेट पर जाना, इसको भी पूरा कर देना, ठीक है। इसी तरह से पूरा पर जाकर इसको 100 कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कर दिया, इसको भी यहाँ पर इतना कर देता हूँ, ठीक ऑलरेडी ये है, ठीक है। इतना अपना देखो इसमें इफेक्ट जो है बन चुका है, ठीक है। हमारा पूरा वीडियो अच्छा लग रहा है, अच्छी हाई क्वालिटी का है, ठीक है। और बाकी का आपको जितना बड़ा होगा इसको आपको इसमें कट कर लेना है, ठीक है। यदि कट वगैरह करना है तो आप कर लेना। तो आपका जो वीडियो होगा वो 100% मतलब अच्छी क्वालिटी में बन चुका होगा, ठीक है। आप जो अपलोड करोगे तो उसके बाद जो क्वालिटी होगी वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अपलोड करने के बाद क्वालिटी गिर जाती है किसी किसी वीडियो की, तो वो आपको नहीं होगी, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम पर जाना है और यहाँ पर अपलोड हाईएस्ट क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है सेटिंग पर जाकर, ठीक है। उसको आपको ऑन जरूर करना है ताकि आपका जो होगी यहाँ पर अच्छी क्वालिटी में अपलोड हो सके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।